वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन्फोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज का हमारा टॉपिक है डबल वी लुकअप। डबल वी लुकअप बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है जिसका यूज़ किया जाता है अगर आपके पास दो डेटा है और दोनों ही डेटा में से किसी पार्टिकुलर डेटा को फाइंड करना है तो आप डबल वी लुकअप का फंक्शन का यूज़ करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ IDs लिखी हुई हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम लिखे हुए हैं, उनकी सैलरी डिटेल लिखी हुई है। इसके बाद टेबल टू की अगर हम बात करें तो टेबल टू के अंदर आप देखेंगे उन्हीं एम्प्लॉयज़ का नाम है, उन्हीं एम्प्लॉयज़ की पोस्ट है, उनके फ़ोन नंबर, आधार नंबर, GST नंबर और पैन नंबर लिखे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ और देखेंगे आप, यहाँ पर नायरा पहले नंबर पर है और बट यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ नायरा तीसरे नंबर पर है। डेटा वही है बट डेटा यहाँ पर आगे पीछे है। तो इन दोनों ही डेटा में से ये डबल वी लुकअप बहुत ही मैजिकल फॉर्मूला है जो काम क्या करेगा, जो भी डेटा हम यहाँ पर सर्च करेंगे यानी जो भी ID हम यहाँ पर सर्च करेंगे उसका डेटा जिस टेबल टू से फाइंड करके हमारे सामने रिप्रेजेंट कर देगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोज़ लाते रहेंगे। आपको करना क्या है, इस इक्वल टू का यूज़ करना है, यहाँ पर यूज़ करना है वी लुकअप। वी लुकअप यूज़ करने के बाद आपको फिर से ब्रैकेट के बाद वी लुकअप का यूज़ करना है यानी हम दो बार वी लुकअप का यूज़ करेंगे। अब आप पहले वाले वी लुकअप को छोड़ करके पहले हम जो दूसरा वी लुकअप हमने लिखा है इसको कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए आप देखेंगे सेम उसी तरीके से लुकअप वैल्यू मांग रहा है तो लुकअप वैल्यू हमारी सेम ID की रेंज होगी। इसके बाद अब कॉमा का यूज़ करेंगे, टेबल के अंदर हम सबसे पहले वाली जो टेबल है हमारी हम उसकी रेंज लेंगे। इसकी रेंज लेने के बाद हम कॉमा का यूज़ करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर में वही सेम हम टू लिखेंगे क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉई नेम है वो सेकेंड नंबर पर है इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। इसके बाद कॉमा का यूज़ करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर जो भी वैल्यू चाहिए, अप्रोक्स चाहिए या एग्जैक्ट चाहिए वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 0 का मतलब होता है हमारा एग्जैक्ट मैच। ब्रैकेट को करेंगे हम लोग बंद और फिर हम लगाएंगे वापस कॉमा। कॉमा के बाद अब हमारा पहला जो वी लुकअप था वो यूज़ हो चुका है, जो दूसरा यानी पहला वाला जो वी लुकअप है वो हम यूज़ करेंगे। दूसरा वाला वी लुकअप हमारा कम्प्लीटली यूज़ हो चुका है। इसके लिए हमने ये जो वी लुकअप और ये पूरा फंक्शन हमने यूज़ किया है इसको मान लीजिए ये आपकी आईडी की रेंज हो गई। इसके बाद कॉमा यूज़ करने के बाद आप रेंज लेंगे टेबल टू की, टेबल टू की रेंज लेने के बाद आपको फिर से कॉमा यूज़ करना है और यहाँ पर हम एक फंक्शन को और ऐड करेंगे यानी एक फॉर्मूला और ऐड होगा हमारा मैच का। तो यहाँ पर मैच करे किससे मैच करे, इस हेडर को मैच करे, कॉमा किससे मैच करे, टेबल टू की इस वाली हेडर से मैच करे। यानी यहाँ पर जो भी आपका हेडर हो वही हेडर हमारे सामने, उसी हेडर का डेटा मेरे सामने रिप्रेजेंट होना चाहिए। कॉमा लिखने के बाद आप देखेंगे इस मैच फंक्शन के अंदर, ये मैच फंक्शन हमारा तीन तरह से काम करता है। पहला लेस देन, अगर आपकी वैल्यू लेस देन है तो लेस देन के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं तो 0 लिखना होगा और अगर ग्रेटर देन वैल्यू चाहते हैं तो आपको -1 लिखना होगा। तो इसके लिए मुझे 0 चाहिए क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। 0 को लिखने के बाद हम करेंगे ब्रैकेट को बंद, बंद करने के बाद आपको कॉमा यूज़ करना है। कॉमा यूज़ करने के बाद अब ये वी लुकअप के लिए बोल रहा है कि वी लुकअप में आपको ट्रू चाहिए या एग्जैक्ट चाहिए, तो यहाँ पर भी हमें एग्जैक्ट ही चाहिए तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट के लिए 0 लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे बंद और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर NA का मैसेज आ गया। अब यहाँ पर NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो भी ID यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 103 तो लिख देते हैं 103, तो 103 पर है कौन, इशिका है, चेक कर लेते हैं 103 पर इशिका है। और इसी तरीके से अगर हम एम्प्लॉय नेम नहीं चाहते, हम चाहते हैं यहाँ पर उसका आधार नंबर या GST नंबर या उसका पैन नंबर, तो यहाँ पर वही चीज़ टाइप कर लीजिए, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे जो 103 पर कौन है, इशिका है, तो इशिका का पैन नंबर आ गया। इसको मैच करते हैं, देखते हैं इशिका कहाँ है, इशिका ये रही, तो इशिका का जो पैन नंबर है वो ये है, देखिए बिल्कुल सेम है, मैच हो गया हमारा इशिका से। अब इसी तरीके से हम फिर से चेंज करके देखते हैं, लाइक हमने लिख दिया 101, एंटर प्रेस किया हमने तो 101 पर कौन है, 101 पर है नायरा और नायरा का जो पैन नंबर है वो है CRED D45848A, देखिए वही डेटा आ रहा है हमारा। तो यानी ये बहुत ही मैजिकल फॉर्मूला है जो कि दो डेटा में से आपका डेटा फाइंड करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है। साथ के साथ अगर आप ये चाहते हैं कि इसके आगे अगर इफ़ एरर फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप अगर कोई रॉन्ग वैल्यू डालेंगे यानी रॉन्ग ID डालेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आप जो चाहें वो वैल्यू यानी वो
टेक्स रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ आपको करना क्या है, इफ़ एरर का यूज़ करना है। इफ़ एरर का यूज़ करने के बाद आपको फॉर्मूले के बिल्कुल लास्ट में जाना है, लास्ट में जाने के बाद आपको कॉमा का यूज़ करना है और जो भी मैसेज आप इसे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया नॉट मैच, नॉट मैच लिखने के बाद इन्वर्टेड कोड को बंद करके ब्रैकेट को एक बार फिर से बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर अगर आईडी गलत डालेंगे, लाइक हमने डाल दिया 111, तो एंटर प्रेस करते ही वो बताएगा नॉट मैच, यानी इस दोनों टेबल में ये डेटा नहीं है, इसलिए वो बता रहा है नॉट मैच। तो ये था हमारा डबल वी लुकअप का मैजिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।